रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर सीरियल अनुपमा में रोजाना एक बड़ा ड्रामा होता रहता है। शो में अनुज कपाड़िया की शादी की तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए श्रुति काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बीते एपिसोड में श्रुति अनुपमा को घर बुलाकर लास्ट मिनट में सारी प्लानिंग बदलवा देती है। इस दौरान ऐसा कुछ होता है जिस वजह से अनुज सबको भूलकर अनुपमा का ध्यान रखने लगता है, और ये देखकर आध्या और श्रुति चिढ़ भी जाती हैं। अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अनुज और श्रुति के संगीत की सारी तैयारियां हो जाती हैं और अनुपमा वहां की होस्ट होती हैं। इस फंक्शन में के गेट पर ही बा और यशदीप की माँ की बहस हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कि शो में क्या क्या हुआ। टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अनुज और श्रुति के संगीत में शाह परिवार पहुंच जाएगा। यहां पर वनराज अनुपमा को काफी सजे संवरे देखकर ताने देना शुरू कर देता है। वनराज बोलता है, आज अनुज और श्रुति का फंक्शन है तो तुम क्यों इतना सज संवर कर बैठी हो। तोशु भी इस पर अपने पापा की बात पर सहमति जताता है, लेकिन अनुपमा बाप बेटे को तीखा जवाब देती है और बोलती है, आप तो अपनी खुशियों में पूरी तरह खुश नहीं होते तो दूसरों की खुशियों में क्या होंगे। यहाँ मैं स्पाइस एंड चटनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और यहाँ की होस्ट भी हूँ। शो में आगे देखने के लिए मिलेगा कि आध्या अनुज और श्रुति के संगीत की शुरुआत करती है। इस दौरान वह श्रुति की तारीफों को पुल बांधती है। वह बोलती है, मैं श्रुति से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और अब वह मेरी माँ बनने वाली है, जिस पर सिर्फ मेरा हक होगा। वह अनुज और श्रुति को सेंटर में बुलाती है और अनुज से बोलती है, आप मुझे अनाथ आश्रम से अपने घर लेकर आए थे। जब वो औरत हमें छोड़कर गई तो मुझे पैनिक अटैक आने लगे थे। आपने अपना दर्द भूलकर मुझे संभाला और यहाँ आए। मैं उस औरत से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ और आप दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। ये देखकर अनुपमा की आंखें झलक आती हैं। सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि आध्या की बातें सुनने के बाद अनुपमा का दिल टूट जाता है और वह वहां से चली जाती है। इन सबके बीच अनुज आध्या की स्पीच के बाद सबसे पहले बापूजी से मिलता है और बाकी लोगों को हेलो बोलता है। इसके बाद बापूजी अनुपमा को संभालते हैं। वह अनुपमा को बोलते हैं, ये आंसू एक माँ के हैं। इसके बाद अनुपमा और बापूजी थोड़ी देर बातचीत करते हैं, जिसके बाद अनुपमा के चेहरे पर स्माइल आती है। शो में आगे यह भी देखने के लिए मिलेगा कि इस पूरे ड्रामे के बाद जैसे ही अनुज अनुपमा के पास जाने लगता है तो श्रुति उसे पीछे से आवाज देकर रोक देती है और फिर वह उसके लिए डांस करती है। श्रुति अनुज के लिए 90 के दशन पर डांस करती है। ये वही गाना होता है जिस पर अनुपमा अनुज के लिए डांस करती थी। इस गाने पर श्रुति अनुज और आध्या को लेकर डांस करती थी। इसके बाद श्रुति अनुज को अपने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करती है।